बहुत वक्त है। हेलो, जय मसीह जी। जय मसीह की जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? अभी जी मैं खरड़ से बोल रही हूँ। खरड़ से? अच्छा, पूछिए क्या सवाल आपका। हाँ जी वीर जी, ये देखो मेरे ना यहाँ पे कितनी पिगमेंटेशन हो गई है, ये देखो। अच्छा, बहुत ज्यादा। और थोड़ी सी यहाँ पे होने लग गई है। कितना वक्त हो गया? कितना वक्त हो गया इसको? चार साल हो गए। चार साल हो गए। तो डाइट फॉलो करती हैं आप? हाँ जी वीर जी, मैंने अभी, मुझे चार दिन हुए हैं, लेकिन ये देखो थोड़ी सी फटना स्टार्ट हुई है। अच्छा। सैलड और ये देखो। अच्छा। हाँ जी, तो अभी मतलब कि मुझे अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने इसलिए आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि मतलब कि और मैं क्या करूँ कि जल्दी मेरे फर्क पड़ जाए। और ये डार्क सर्कल भी देखो। देखिए, जो रिजल्ट होता है ना उसमें थोड़ा वक्त लगता है, तो जल्दी की बात मत करा करो। जो जल्दी जल्दी करते हैं ना उनको रिजल्ट नहीं मिलता। हाँ क्या मिलता है तो, ठीक है, तो जल्दी जल्दी की कोई जरूरत नहीं है। डिपेंड करता है आप अपनी डाइट को कितने अच्छे से एंजॉय करती हैं। जो भी आप खाती हैं उस ऊपर वाले का नाम लेके खुशी से खाएं, ठीक है, वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। फिर आपकी फिजिकल एक्टिविटी आती है। क्या फिजिकल एक्टिविटी बताएं जरा? वीर जी मैं योगा करती हूँ, योगा करती हूँ, वॉक के लिए जाती हूँ। अच्छा, एक घंटा वॉक करते हैं। देखो डेली बेसिस पे है ना, अभी इटली से बात हो रही थी, वो इटली में इतनी ठंड पड़ी है, वो कह रही फिर भी वो वॉक करती है, ठीक है। तो आप तो खरड़ में इतनी ठंड नहीं है, वहाँ पे गर्मी है, तो आप वॉक करना। हफ्ते में कम से कम छह दिन आपने वॉक करनी है, ठीक है। संडे वाले दिन आप रेस्ट करें, डाइट को फॉलो करें। डाइट में क्या है? फ्रूट, सैलेड, सीड, ड्राई फ्रूट, हाई प्रोटीन डाइट है, ठीक है। मेरा एक सवाल है कि जैसे मैं फ्लेक्सी सीड्स लेती हूँ, मेरा बीपी बढ़ता है थोड़ा सा। अच्छा, तो आप चिया सीड पे आ जाए, फ्लेक्सी सीड को अवॉइड करें। कई बार क्या होता है ना, हाँ। कोई पहली बार कोई चीज लेती है तो वो एकदम से सूट नहीं करती, थोड़ा टाइम लग जाता है। यहाँ कई बार हमें किसी कोई चीज सूट नहीं करती, तो आप चिया सीड ले लें, वो भी नहीं सूट करता तो आप पम्पकिन सीड ले लें। आइडिया है कि कोई भी सीड आपने दो छोटे चम्मच डेली बेसिस पे लेने, ठीक है। कोई सप्लीमेंट वगैरह? सप्लीमेंट कोई ऐड करिए? वो नहीं वीर जी, मुझे कुछ पता, मैं तभी आपको कर रही थी कि मैं पूछूं। वीडियो में ना मैंने डिटेल्स में सब कुछ बता रखा होता। अगर आप देखेंगे ना हेल्दी साइरस डाइट, उसको एक बार देख ले। ए टू जेड सारी चीजें बता रखी है, कहाँ से लेनी है ये भी बता रखा मैंने, ठीक है। तो चार दिन में आपकी झाइयां फटना शुरू हो गई है, खुशी हो रही है कि नहीं हो रही है? बहुत ज्यादा। अभी तो मुझे चार दिन हुए हैं, सिर्फ सैलड ही सैलड मैंने लिया है, तो उसी से ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो काफी ज्यादा मतलब कि अभी फट गई है। अच्छा, बहुत ज्यादा फर्क है पहले से। बस ये जो खुशी है ना, ये बढ़ती जानी चाहिए, ये एकदम से छूमन कर हो जाएगी आप, ठीक है। ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आरती जी अपना ख्याल रखें, और जब पूरी ठीक हो जाएगी तो दोबारा भी बात करेंगे। ओके वीर जी, थैंक यू सो मच जी। ये थी आरती जी, खरड़ से। चार दिनों में झाइयां फटना शुरू हो गई। ऐसे लोग होते हैं जिनको देख के लोग कहते हैं, अरे यार ये क्या वीडियो डालता है साइरस, चार दिनों में कौन सी झाइयां फटने शुरू हो जाती ना। अब मैं क्या करूं, देखो इनको सलाद खाया है, थोड़ी सी डाइट फॉलो की। मन्नू जी आ जाए, मन्नू।